यामि सदंगे नगरे तिरमे विभूषितांगं विविधे भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं में से 8वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती नागेश्वरी। अगर आप गुजरात राज्य में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के साथ साथ ये भी बताएंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की लोकेशन क्या है, वहाँ कैसे पहुँचें, कब जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन कहाँ करें, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं, ज्योतिर्लिंग की कथा क्या है, आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा यात्रा पर कितना खर्चा होगा, एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारका धाम से लगभग 17 किलोमीटर दूर द्वारका शहर और बेट द्वारका आइलैंड के रास्ते पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। पुराणों के अनुसार भगवान महादेव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है, नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। नाग देवता हमेशा भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं। जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रद्धापूर्वक दर्शन करता है वह जाने अनजाने पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक में स्थान पाता है। रुद्र संहिता में इन भगवान को द्वारुका वने नागेशम कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि नागेश्वर कैसे पहुंचे और कहां ठहरें। नागेश्वर मंदिर कैसे जाएं? गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना बहुत आसान है। मंदिर से 150 किलोमीटर के दायरे में जल थल और नभ से संबंधित सभी साधनों की सुविधा उपलब्ध है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए पहले आपको द्वारका धाम आना होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका धाम से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो रिक्शा द्वारका से नागेश्वर के लिए सबसे उचित साधन है। द्वारका से नागेश्वर जाने दर्शन के लिए थोड़ी देर रुककर वापस द्वारका आने का ऑटो रिक्शा का किराया लगभग 350 रुपये है। वायु मार्ग से कैसे पहुँचे? नागेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट और 125 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट स्थित है। दोनों एयरपोर्ट देश के कुछ प्रमुख एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। यहाँ से आप टैक्सी या कैब के जरिए द्वारका या डायरेक्ट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। आपको गुजरात राज्य सरकार की बस या प्राइवेट बस की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। रेल मार्ग से कैसे पहुँचे? नागेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है। नागेश्वर जाने के लिए द्वारका या ओखा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। द्वारका रेलवे स्टेशन नागेश्वर मंदिर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन बेंगलोर, मुंबई, विशाखापट्टनम, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर आप इन शहरों या इनके आसपास के शहरों से संबंध रखते हैं तो आप अपने शहर से नागेश्वर मंदिर जाने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। अगर आपके शहर से द्वारका या ओखा के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप राजकोट, अहमदाबाद या जामनगर आ सकते हैं। यहाँ की रेलवे लाइनें पूरे देश में फैली हुई है। द्वारका रेलवे स्टेशन से नागेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको बस के साथ साथ प्राइवेट टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। ओखा से नागेश्वर केवल 19 किलोमीटर दूर है। ओखा में बंदरगाह भी है। सड़क मार्ग से कैसे पहुँचें? सड़क मार्ग से आप द्वारका आकर नागेश्वर पहुंच सकते हैं। देश के कई बड़े शहरों से द्वारका के लिए राजकीय और निजी बस सेवाएं उपलब्ध है। अगर आप गुजरात के अलावा किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं और सड़क मार्ग से ही नागेश्वर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद या राजकोट शहर जाना पड़ेगा।
अहमदाबाद से नागेश्वर मंदिर लगभग 440 किलोमीटर और राजकोट से करीब 225 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद और राजकोट से द्वारका के लिए आपको बस, टैक्सी आदि साधन आसानी से मिल जाएंगे। आप अपनी बाइक, कार या टैक्सी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। गुजरात में सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आपको ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुजरात में आपको लगभग सभी शहरों से प्राइवेट टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो अपने शहर से ही प्राइवेट टैक्सी बुक करके डायरेक्ट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा सकते हैं। द्वारका से नागेश्वर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 266 किलोमीटर। कहाँ ठहरें? नागेश्वर में ठहरने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, आपका द्वारका में ही ठहरना उचित रहेगा। अगर आपने द्वारका में रात्रि विश्राम के लिए ऑनलाइन होटल या कोई अकोमोडेशन बुक करा रखी है तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं करा रखी है तो नो टेंशन। यहाँ पर धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल्स आदि की कोई कमी नहीं है, आपके बजट के अनुसार अकोमोडेशन मिल जाएगी। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के आसपास ही आपको सस्ती धर्मशालाएं देखने को मिल जाएगी, जिनमें 24 घंटे का किराया करीब 300 से 500 रुपए हो सकता है। द्वारका मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी गेस्ट हाउस की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है, जिसका 24 घंटे का किराया लगभग 500 से 700 रुपए होता है। आप देवभूमि द्वारका /nic.in/accommodation पर लॉग इन करके रूम की बुकिंग करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द्वारका मंदिर के आसपास आपको प्राइवेट होटल्स भी 24 घंटे के लिए कम से कम 700 से 1000 रुपए में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहां हॉस्पिटल रोड पर रिलायंस ट्रस्ट के कोकिला धीरज धाम में भी ट्राई कर सकते हैं। यहां नॉन एसी रूम 600 रुपए में और एसी रूम 1000 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही आप हॉस्पिटल रोड पर ही सर्किट हाउस, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, तोरण गेस्ट हाउस, इस्कॉन गेट के पास द्वारकाधीश अतिथि गृह, गायत्री शक्तिपीठ अतिथि गृह, बिरला मंदिर के पास बिरला धर्मशाला, गोमती रोड पर जय रणछोड़ धर्मशाला, स्वामीनारायण टेम्पल पटेलवाड़ी धर्मशाला, जीपीओ के सामने विसरोलिया धर्मशाला और श्री माहेश्वरी सेवा कुंज में से कहीं भी ठहरने का इंतजाम कर सकते हैं। धर्मशालाओं में रूम लगभग 300 से 400 रुपये में, डोरमेट्री बेड 200 रुपये में और हॉल में 100 रुपये प्रति व्यक्ति ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। भोजन कहाँ करें? नागेश्वर में आपको खाने पीने, चाय नाश्ते की भी उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी, इसके लिए भी द्वारका ही बेस्ट प्लेस है। द्वारका में अनेक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और भोजनालय है, जहां आप गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, पंजाबी, साउथ इंडियन या आपका मनपसंद किसी भी तरह का भोजन कर सकते हैं। ज्यादातर भोजनालयों में थाली सिस्टम है, जिसमें आपको गुजराती और काठियावाड़ी स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलता है। थाली करीब 125-150 रुपए की होती है। साथ ही आप फास्ट फूड और गुजराती ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। यहाँ के कुछ फेमस भोजनालयों में शामिल है श्रीनाथ डाइनिंग हॉल, संस्कृति इन रेस्टोरेंट, पुरुषोत्तम पराठा हाउस, गोविंदा रेस्टोरेंट, चर्मी रेस्टोरेंट, कृष्णा डाइनिंग हॉल, छप्पन भोग रेस्टोरेंट, अतिथि रेस्टोरेंट, गोमती रेस्टोरेंट, द्वारकेश भोजनालय, कृष्णा डाइनिंग हॉल इत्यादि। यहाँ द्वारका मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी भोजन प्रसादालय की सुविधा है। प्रसादालय में खाना खाने का समय दिन के 11 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो कि हमेशा भगवान शिव के गले में शोभायमान रहते हैं, इसलिए ये मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जा सकती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोमती द्वारका से बेट द्वारका जाते समय रास्ते में ही स्थित है। द्वारका से सुबह 7:30 बजे रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब और बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर को घुमाने वाली लोकल टूरिस्ट बस भी नागेश्वर मंदिर होकर ही जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शास्त्रों में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धापूर्वक कथा सुनते हैं, वे पापों से मुक्ति पाकर दिव्य शिवलोक को गमन करते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में
एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था तथा मन, वचन, कर्म से शिव भक्ति में ही लीन रहता था। उसी काल में एक दारुका नामक दुष्ट राक्षस रहता था। दारुका शिव भक्तों से चिढ़ता था और उनके पूजन में निरंतर बाधा पहुंचाया करता था। सुप्रिय द्वारा शिव जी का पूजा पाठ करने के कारण कई अन्य लोग भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक दिन दारुका राक्षस को पता चला कि सुप्रिय समुद्र में नाव पर सवार होकर अपने अन्य साथियों के साथ कहीं जा रहा है। तब उस अत्याचारी राक्षस ने उन सभी पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय को पकड़कर सभी अन्य भक्तों के साथ अपने राज्य के कारागृह में डाल दिया। सुप्रिय कारागृह में भी शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर भगवान शिव की पूजन और आराधना में तन्मय रहने लगे। इस कारण उनके साथी एवं कारागृह के अन्य बंदी भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक होकर शिव भक्ति करने लगे और पूरा कारागृह शिवमय हो गया। जब इसकी भनक राक्षस दारुका को मिली तो वह क्रोध में तिल मिलाता हुआ कारागृह पहुंचा। उसने देखा कि कारागृह में सुप्रिय नेत्र बंद करके ध्यान लगाए समाधि में बैठा है। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है? इससे सुप्रिय जरा भी विचलित नहीं हुआ। तब दारुका ने क्रोध के वशीभूत होकर सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय अपने मन को एकाग्र करके अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्क्षण उस कारागृह में एक उच्च स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पशुपतास्त्र से दारुका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। वैश्य सुप्रिय ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिवजी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहां स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन। नागेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे आरती होती है। दर्शन के लिए मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक खुलता है। शाम 4 बजे ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार किया जाता है। शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे श्रृंगार दर्शन होते हैं। आरती का समय शाम 7 बजे है। शिवरात्रि, सावन सोमवार एवं अन्य विशेष त्योहारों के समय ये मंदिर ज़्यादा समय तक खुला रहता है। सुबह के समय भक्त भोलेनाथ का दाभिषेक भी करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शनों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। मंदिर में दर्शन बिल्कुल फ्री है। जब आप नागेश्वर मंदिर की ओर जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर दूर से ही भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा दिखाई देगी। ये करीब 25 मीटर ऊंची प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में बनी है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में स्थित है। मुख्य द्वार से अंदर जाने पर पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, जहां से आप पुष्प, बेलपत्र और प्रसाद आदि ले सकते हैं। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करें, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आगे बढ़ने पर पहले एक सभागृह आता है। गर्भगृह सभा मंडप से निचले स्तर पर स्थित है। यहाँ से आगे तलघर जैसे गर्भगृह में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। नागेश्वर शिवलिंग गोल और काली शिला से बने त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है और एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। शिवलिंग के पीछे माता पार्वती की सुंदर मूर्ति स्थापित है। आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अनुपम छवि को अपने मन मंदिर में बसा लीजिए। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुष भक्तों का धोती पहनकर आना आवश्यक है। मंदिर में अभिषेक और पूजा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों के लिए 105 रुपये से लेकर 2501 रुपये तक के शुल्क में विभिन्न प्रकार की पूजाएं संपन्न कराई जाती है। अगर आपको पूजन, अभिषेक आदि करवाना है तो आप मंदिर के पूजा काउंटर पर शुल्क जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर लीजिए। फिर आपको मंदिर समिति के एक पुरोहित के साथ मंदिर गर्भगृह में जाना होता है तथा शुल्क के अनुसार आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। मंदिर के पास एक बड़ा उद्यान भी है जहां पर्यटक विश्राम कर सकते हैं। आसपास के दर्शनीय स्थल। रुक्मिणी मंदिर।
ये मंदिर भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। संरचना में छोटा होने के बावजूद दीवारों पर कुछ अद्भुत चित्र है जो रुक्मिणी द्वारा अपने पति के साथ बिताए गए समय को दर्शाते हैं। रुक्मिणी मंदिर द्वारका शहर में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर, ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और नागेश्वर मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। 5 मंजिला इस मंदिर के भीतर और बाहर कलात्मक काम देखने लायक है। बेट द्वारका, बेट द्वारका द्वारका से 32 किलोमीटर की दूरी पर ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है। वहां जाने के लिए ओखा बंदरगाह जेटी तक रेल या सड़क मार्ग से पहुंचना होगा और फिर द्वीप के लिए एक नौका लेनी होगी। इस द्वीप में भगवान शिव, भगवान हनुमान, भगवान विष्णु और देवी के कुछ अद्भुत मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भगवान कृष्ण का है जो लगभग 500 साल पुराना है और माना जाता है कि इसे श्री वल्लभाचार्य ने बनवाया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कब जाएं? यदि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि आप वर्ष में किसी भी समय यहाँ जा सकते हैं। कितने दिन का टूर प्रोग्राम बनाएं? अब यदि आप केवल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो एक दिन ही काफ़ी है, लेकिन वहां गए हुए आपको द्वारकाधीश मंदिर, बेट द्वारका और आसपास के दर्शनीय स्थलों का भी अवलोकन करना चाहिए, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 दिन का तो टूर प्रोग्राम बनाना ही चाहिए। यात्रा पर कितना खर्चा होगा? अगर बात खर्चे की करें तो आपको एक रात होटल में रुकने का लगेगा कम से कम 1000 रुपये। 2 दिन का भोजन, चाय, नाश्ता का मिलाकर मान लो 800 से 1000 रुपये। आसपास घूमने का ऑटो रिक्शा या टैक्सी का खर्चा मान लो 800 रुपये, अन्य खर्चा 500 रुपये। तो इस प्रकार कुल खर्चा हो गया करीब 3 से 3500 रुपये। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, और अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो होटल और लोकल ट्रेवलिंग का खर्चा थोड़ा और कम हो जाएगा। इसमें आपके शहर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। तो अब देर किस बात की, बनाइए प्रोग्राम और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।